नमस्कार दोस्तों, आज बात कर रहे हैं गैलवे एक्सफोज। गैलवे एक्सफोज के बारे में बात करें, एक्सफोज किया है ग्लेज को क्यों? अरे दोस्तों, एक बहुत ही शर्मनाक घटना घटी है और दोस्तों मैं बात कर रहा हूं वो और ग्लेज के अंदर बहुत ही एक दुखद घटना है कि बड़े बड़े जो सीनियर हैं वो ग्लेज कंपनी को छोड़ रहे हैं। ग्लेज कंपनी को छोड़ रहे हैं, इसका कारण क्या है? और एक ऐसा बंदा है जो बहुत ही पुराना, जो कि 14 साल से काम कर रहा है ग्लेज के अंदर, और वो बंदा पहला डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा है जो कि राजस्थान से है, लेकिन उसके साथ जो घटना घटी है उनके बारे में बात कर रहा हूं। और वो सीनियर है जो कि रॉयल प्रेसिडेंट लेवल पे काम भी करते हैं, रॉयल प्रेसिडेंट लेवल पे काम भी करते हैं, उनके साथ जो गलत हुआ है उनके बारे में बात कर रहा हूं। और दोस्तों साथ ही साथ ग्लेज कंपनी को चेतावनी भी दे रहा हूं कि उस बंदे का नवंबर मंथ का इंसेंटिव रोका गया, इंसेंटिव रोका गया, अगर वो नहीं दिया गया तो हमारी डाउनलाइन है, जो हमारी जितनी भी डाउनलाइन है उनसे हम कंप्लेन करवाएंगे यदि अगर वो नहीं देते हैं तो। और दोस्तों मैं साथ ही साथ देता हूं, कौन सा हक है उनको इंसेंटिव रोकने का, कौन सा हक है उनको उस बंदे का इंसेंटिव रोकने का? और वो बंदा रॉयल प्रेसिडेंट लेवल पे काम करता है, जो कि पुराना नाम है GDD ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर, और दोस्तों जिनका नाम है मिस्टर गोविंद राम बेहड़ा, मिस्टर गोविंद राम बेहड़ा, जिनका नवंबर मंथ का इंसेंटिव रोका गया। और दोस्तों मैं बात कर रहा हूं उनका रीजन क्या था ग्लेज कंपनी को छोड़ने का। 25 दिसंबर 2020 को वो रिजाइन देते हैं ग्लेज कंपनी को, और कुछ ही दिनों बाद, कम से कम 2-3 दिनों बाद ग्लेज कंपनी उनको नोटिस भेजती है। ग्लेज कंपनी उनको नोटिस भेजती है, नोटिस में लिखा हुआ होता है कि गोविंद राम बेड़ा को ग्लेज से टर्मिनेट किया गया। जी हाँ दोस्तों, टर्मिनेट किया गया, ये उन्होंने लेटर भेजा। और दोस्तों मैं बात कर रहा हूं, बंदे को टर्मिनेट नहीं किया बल्कि खुद बंदे ने रिजाइन दिया है, खुद ने रिजाइन दिया है, और ग्लेज कंपनी बोलती है कि उसको टर्मिनेटेड किया गया। अरे कौन सा टर्मिनेट? अरे ग्लेज कंपनी के फाउंडर डायरेक्टर, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप सुधरे नहीं तो जितनी भी डाउनलाइन है, जितनी भी ग्लेज की डाउनलाइन है वो आपके ऊपर भारी पड़ जाएगी। और दोस्तों साथ ही साथ बात कर रहा हूं, उस बंदे ने इतनी जो बातें बताई हैं उनसे मैं इतना दुखी हुआ हूं कि ऐसा कैसे हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं भी अंदर से बार बार टूट गया। और दोस्तों साथ ही साथ उस बंदे ने एक बात बताई है कि गैलवेज जो ग्लेज कंपनी है उनके पास शानदार सॉफ्टवेयर है, और दोस्तों उसको पता है कौन सा शानदार लाइव नहीं कर सकता, वो कौन सा सॉफ्टवेयर है साहब। और दोस्तों उसने एक बंदे ने बात बताई कि उसके पास सबूत भी है जो ग्लेज कंपनी कर रही है उनके लिए। ग्लेज कंपनी इतनी घटिया क्वालिटी करने लगी है, इतनी घटिया काम करने लगी है जिससे आपको भी शर्म आती, मेरे को बताते हुए भी शर्म आती है, क्योंकि मैंने इतना सीखा है लेकिन ऐसा नहीं समझा था कि ऐसे हो सकती है। ग्लेज कंपनी ने बहुत कुछ सिखाया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। ग्लेज कंपनी ने हम सबको बहुत सिखाया, लेकिन साथ ही साथ उसने फ्रॉड भी किया है। ऐसा करने का कारण क्या दोस्तों, मैं उनका वीडियो भी बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, एक और अगला वीडियो आएगा उसमें उनका वीडियो में साथ में डालूंगा। कम से कम 22 मिनट का वो वीडियो है, और दोस्तों उन्होंने एक एक बात बताई है कि उनका छोड़ने का रीजन क्या है। और दोस्तों रॉयल प्रेसिडेंट लेवल कुछ छोटा मोटा नहीं है, उस बंदे ने 14 साल के अंदर 3 करोड़ रुपए कमाए, शानदार घर भी बनाया, लेकिन उस बंदे ने कंपनी को रिजाइन क्यों दिया? रिजाइन देने का कारण एक ही है कि उनका सिस्टम है रूम सिस्टम, जिससे बहुत सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई, बहुत सारे लोगों की, बहुत ऐसे लोग भी हैं जिनकी जिंदगी खराब हो गई, वो रो रहे हैं, और उनके भरोसे के ऊपर गैलवे शॉप भी खोली, ग्लेज फ्रेंचाइजी भी ली, लेकिन वो आज इतने बेरोजगार हो चुके हैं, वो गोविंद राम बेड़ा के सामने रो रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमारे सामने रो रही है हमारी डाउनलाइन, क्या करें,
ग्लेज कंपनी ऐसा ही कर रही है। लेकिन दोस्तों मैं आपको सच्चाई जानने से पहले ये बात करना चाहता हूं, अगर उनका नवंबर मंथ का इंसेंटिव नहीं दिया गया तो वो कदम उठाना है हम सब मिलकर, तब जाके ग्लेज वालों को पता चले, ग्लेज को पता चले, ग्लेज के सीनियर डायरेक्टर को पता चले, ग्लेज के जो जितने भी फाउंडर डायरेक्टर उनको पता चलना चाहिए। क्यों रोका, क्या हक है आपका? गोविंद राम बेड़ा जी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपके साथ हम पूरे सपोर्ट के साथ हैं, हमारी पूरी डाउनलाइन आपके साथ है, लेकिन आप पीछे मत हटना, हम करवा के रहे। अरे जो सोचा है वो करके रहेंगे, हम डाउनलाइन है आपकी, हम डाउनलाइन है आपकी, हम सपोर्ट करने के लिए दिन रात तैयार है। ये ग्लेज ने सिखाया है, लेकिन ये गलत कर रही है कंपनी, जिससे हमको इसके विरोध में बोलना पड़ रहा है आज, उसके विरोध में हम उतर रहे हैं। कारण एक ही है कि ग्लेज कंपनी नहीं समझ रही है अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, अपने ग्राहक को, क्यों ऐसा क्यों कर रही है। और दोस्तों मैं अगले वीडियो में उनका भी वीडियो दूंगा, साथ ही साथ उनका भी बताऊंगा पूरी डिटेल, वो भी बताएंगे, 22 मिनट का वीडियो है, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। इससे आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, सपोर्ट करें इस बंदे का, जो कि राजस्थान का एक पहला ऐसा शख्स है जो कि 14 साल से काम कर रहा है, लेकिन उस बंदे ने कंपनी को रिजाइन दे दिया है। कारण एक ही है कि ग्लेज कंपनी प्लेटफॉर्म पे नहीं चल रही, ग्लेज कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए काम नहीं करी, बल्कि अपने खुद के लिए काम करिए। जो गैलरे सॉफ्ट सबको दी है ना, गैलरे सॉफ्ट उनके बारे में सच्चाई बता देता हूँ, गैलरे सॉफ्ट जिसको दी है उस बंदों को ऐसे प्रोडक्ट दिए, कैसे ऐसे प्रोडक्ट दिए जिसका एक्सपायरी डेट कम से कम 2-3 महीने के अंदर ही होने वाली थी, और उनको पता नहीं था जो गैलरे सॉफ्ट लेने वाला है, और उनके साथ ये घटना हो चुकी है। और वो बंदे आज गोविंद राम बेड़े के सामने रो रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट वापस नहीं ले रहे, सेल नहीं कट रही है, प्रोडक्ट दे दिए पैसे नहीं दे रहे, क्यों ऐसा कर रहे हैं? अरे पैसा तो लूटा दो वापस, क्यों फ्रॉड कर रहे? खुद ही कंपनी फ्रॉड करने में उतर चुकी है। ये वीडियो सबके साथ शेयर जरूर करना, आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, वरना क्या पता आपके साथ ये होगा और कोई सपोर्ट ना करे। अगर सपोर्ट करोगे तो सब कुछ मिलेगा, क्योंकि एक एक सपोर्ट से टीम वर्क आपको सिखाया ग्लेज ने, लेकिन ये टीम वर्क नहीं सिखाया है कि आपको गलत करना है, बल्कि इस बंदे का सपोर्ट जरूर करना, जिस बंदे ने हमको सब कुछ सिखाया है। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है ग्लेज के फाउंडर डायरेक्टर से, प्लीज इनका जो नवंबर मंथ का इंसेंटिव है वो क्यों रोका गया, दिसंबर का भी क्यों रोका गया, जरूर दीजिए। अगर नहीं दिया तो हम भी कुछ करने के लिए तैयार है, हमारी डाउनलाइन भी सपोर्ट करेंगे हमारे सीनियर अपलाइन को, जितना हो सके इतना आप वीडियो को शेयर करना, ताकि फाउंडर डायरेक्टर तक ये वीडियो जाना चाहिए, एक डाउनलाइन की आवाज बुलंद करनी चाहिए, अपनी डाउनलाइन की बुलंद आवाज कीजिए, अपने सीनियर की बुलंद आवाज कीजिए, जिससे आप और आपकी टीम सेफ रह सके। बहुत सारे फ्रॉड करने लगी है कंपनी, जिससे आप सुरक्षित सावधान रहे ग्लेज कंपनी से। अगर ग्लेज कंपनी बोलती है कि हम इतना ऑफर दे रही है, घुमावदार इतना देती है कि आपको समझ में नहीं आएगा, 14 साल से बंदा काम करा उसको समझ में नहीं आया, तो आपको क्या घंटा समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा? तो इससे अच्छा है कि आप सावधानी पूर्वक काम कीजिए। हाँ मैं ये नहीं कहता काम मत कीजिए, लेकिन सावधानी पूर्वक किसी को फंसाना मत, अपनी गलती मत करना। प्रोडक्ट अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, प्लान भी अच्छा है, लेकिन प्लान ऐसा दिया जा रहा है जिसको आप खुद की आप जिंदगी भर मर जाओगे, लेकिन समझ में नहीं आएगा कि प्लान है क्या। जिस बंदे ने 14 साल लगा दिए, वो 3 महीने मेहनत कर ली प्लान समझने के लिए, समझ में नहीं आया तो आपको क्या आएगा समझ। इससे अच्छा है कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए, ताकि ये फाउंडर डायरेक्टर तक ये वीडियो जरूर जाना चाहिए, जिससे आपकी और आपकी डाउनलाइन की आवाज बुलंद। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप सभी से, प्लीज वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे आपके पास एक और वीडियो आने वाला है, जिसमें गोविंद राम बेड़ा का भी साथ में वीडियो मैं डालूंगा, और साथ ही साथ जो भी उन्होंने बताया वो भी मैं डालूंगा, जिससे आपको भी पता चल जाएगा कि हकीकत है या झूठ बोल रहे हैं, ठीक है ना, तब आपको समझ में आएगी। इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए कि वो वीडियो चाहिए है या नहीं, अगर चाहिए तो यस और नो का जरूर जवाब दीजिए। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सबके साथ शेयर करना,
जिससे हकीकत का पता चले कि ग्लेज कंपनी क्या कर रही है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। और दोस्तों अब क्या कहें, बहुत कहने का कुछ है, लेकिन अगले वीडियो हम बताएंगे जिसमें गोविंदराम बेड़ा का साथ वीडियो होगा और साथ ही साथ मैं भी बताऊंगा कि हकीकत क्या है। और दोस्तों कमेंट जरूर करना जिससे सबको पता चल जाए कि कंपनी के अंदर फ्रॉड होना शुरू हो चुका है। लॉकडाउन की वजह से प्रोडक्ट पुराने पड़े, वो दिए जा रहे हैं एक्सपायरी डेट के, और आप मजे से ले रहे सस्ते में। क्या काम के प्रोडक्ट, एक महीने के अंदर एक्सपायर खत्म होने वाला है। इससे चाहे कि किसी को नुकसान न हो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।